अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। मेरा नाम है नाजिम खान और हम पढ़ रहे हैं इसमें जीके की 15,000 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें चार वीडियोस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब हम इसमें महाजनपद काल के 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 18वें क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है नौकरी 24, आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें लाल वाला बटन दबाकर, ठीक है। 17 सवाल हम कर चुके हैं, 18वें सवाल से हम शुरुआत करेंगे। अब 18वें सवाल से चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक बार फिर बता देता हूं, जीके की 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान, दिल्ली, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके आती हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके आती हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें हम कवर कराएंगे। शुरुआत करिए हमने हिस्ट्री के साथ, ठीक है। चलिए महाजनपद काल हम पढ़ रहे हैं, 17 सवाल हम कर चुके हैं, 18वें सवाल से हम शुरुआत करेंगे आज। 18वां सवाल, तो 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल पढ़े। सवाल में सूची दी गई है, सूची एक और सूची दो, यानी कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, मिलान करना है। सूची एक में महाजनपद काल दिए हुए हैं और सूची दो में उनके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं कि महाजनपद काल कहां कहां तक फैला हुआ था, ठीक। चलिए तो हमें ऑप्शन दे दिए गए हैं 18वें का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और इनमें कूट है कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है, डी का कौन सा है। हमें राइट आंसर बताना है मिलान करके कौन सा है। चलिए 18वां है, महाजनपद काल है, मगध, वत्स, कौशल, अवंती और इनके आधुनिक क्षेत्र है। तो 18वें का राइट आंसर बताएं कि मिलान करने के बाद 18वें का राइट आंसर कौन सा बन रहा है। तो हमें बता देता हूं 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ए का पहला, यानी कि मगध का जो आधुनिक क्षेत्र था वो पटना व गया के जिले थे, ठीक है। चलिए बी का दूसरा, यानी कि वत्स, वत्स इलाहाबाद इसका आधुनिक क्षेत्र था। कौशल, कौशल का अवध और अवंती का मालवा, ये आधुनिक क्षेत्र थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो गया, ठीक। 18 सवाल हमारे हो चुके हैं और चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। 19वां सवाल क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। 19वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। तो 19वां सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। 19वां सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कहां की, मगध की प्रथम राजधानी। ऑप्शन नंबर एक पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है गिरिव्रज या राजगृह, और ऑप्शन नंबर डी है चंपा। 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का राइट आंसर जल्दी बताएं। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या राजगृह, कहां की, मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया, यानी कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, किसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया सबसे पहले। तो राइट आंसर बताएं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क, किसके द्वारा बनाई गई। 20वां सवाल, राइट आंसर जल्दी बताएं। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा, यानी कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में चयन किया गया। सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, उदयन ने बनाई, ठीक। चलिए सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो किसमें उपलब्ध है, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में, किस चीज में है, जल्दी बताइए। सूची किसमें उपलब्ध है 16 महाजनपदों की। 21वां सवाल, 21वां सवाल का राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय, यानी कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22, तो सवाल नंबर 22 है हमारा, स्क्रीन पर आ चुका है सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। किसका समकालीन था, सिकंदर महान का, कहां का राजा, मगध का राजा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी सुकल्प, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य, जल्दी बताइए। सिकंदर महान जो था उसके समकालीन कौन सा राजा था मगध का, ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है, 22 का राइट आंसर बताएं। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनानंद, घनानंद वो राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था, मगध का राजा था घनानंद, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 23 देख लेते हैं। सवाल नंबर 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, चौथी सदी में, छठी सदी में, दूसरी सदी में, या पहली सदी में। यह ध्यान रखना, यह ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए राइट आंसर बताइए। 23 का, 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व, मगध प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, 22 हो चुके, 23 हो चुके हैं, सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। सवाल नंबर 24 क्या है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, यानी कि जो सिकंदर भारत में सफल हुआ था उसके कारण बताने हमें। तो क्या कारण है,
पहला नंबर है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा नंबर है इसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तीसरा नंबर है उसे देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, किसको? सिकंदर को। यह चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर एक, एक व दो सही है, या ऑप्शन नंबर बी, एक दो और तीन सही है, या ऑप्शन नंबर सी, दो तीन और चार सही है, या ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन चारों सही है। 24 का राइट आंसर, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दो तीन चार, चारों सही है। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता उस टाइम पर नहीं थी, ठीक, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की, मतलब बहुत महान सेना थी, बहुत अच्छी, उसे देशद्रोही भारतीय शासक जो देश के खिलाफ थे उसका उसे सहयोग मिला, और वह एक अच्छा प्रशासक था, सिकंदर महान, ठीक है, महानों में गिनती होती है। चलिए सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भी देखो सूची दी गई है, क्या सूची दी गई है, सूची एक को सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है, तो सूची आपको क्या करना है, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क, यानी कि आपको ये करना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। 25 का जल्दी है ना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 26वां सवाल देखते हैं, 26वां सवाल क्या है ये देख लेते हैं। तो 26वां सवाल है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, क्या? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहां खोदी गई थी, अंग में, वंश में, कलिंग में, या मगध में? 26 का राइट आंसर जल्दी बताएं, कहां खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी, क्या? एक नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से, ठीक है। ये अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, यानी कि अभिलेख जो है हमारे उनसे ही पता लगता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में, ठीक है। चलिए 26 सवाल हो चुके हैं, सवाल नंबर 27 देखते हैं, सवाल नंबर 27 सवाल, ठीक है, 27। चलिए सवाल नंबर 27 आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 27 पढ़े, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, क्या चीज, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन करा था, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है साइरस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्बिसिस, या ऑप्शन नंबर सी है डेरियस, या ऑप्शन नंबर डी है जेरसिस। राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 27 का, ठीक है। 27वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेरियस, वह पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ठीक है। सवाल नंबर 28 देखिए, सवाल नंबर 28 है, मगध के राजा अजात शत्रु, कौन सा, अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। सवाल में बोला गया मगध का जो राजा है अजात शत्रु, उनका हमेशा किसी गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वह कौन सा गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए वज्जिसंग, यानी कि वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पंचाल, ऑप्शन नंबर सी दोनों के साथ रहा, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी के भी साथ नहीं रहा। 28 सवाल नंबर 28 का राइट आंसर है वज्जिसंग, वैशाली के साथ में, अजात शत्रु का वैशाली के साथ में हमेशा युद्ध रहा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 हो चुके हैं, सवाल नंबर 29 देखिए, सवाल नंबर 29 है, वज्जिसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार, क्या, प्रथम बार रथ मूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, कहा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। यानी के वज्जिसंग वैशाली के विरुद्ध कोई मगध का एक राजा था जिसने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक ये हथियार थे, गुप्त रूप से इनका प्रयोग किया, वो कौन सा था शासक, अजात शत्रु था, चंद्रगुप्त मौर्य था, काल अशोक था, या उदयन था। 29 का राइट आंसर क्या है जल्दी बताएं, राइट आंसर है अजात शत्रु, वो अजात शत्रु था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, सवाल नंबर 30 नंद वंश का अंतिम सम्राट बताएं हमें, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्मनंद था, घननंद था, कालशोक था, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 30 राइट आंसर क्या है, राइट आंसर घननंद, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घननंद था। चलिए सवाल नंबर 31 ठीक, 31वां सवाल, भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ, भारत में सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन है वो कब शुरू हुआ, ठीक है, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में, कब हुआ,
31 का राइट आंसर बताएं, 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में भारत में जो सिक्कों का यानी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए 31 हो चुके हैं। सवाल नंबर 32, 32 वन देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत। 32वां सवाल है, ये राजा है ठीक है, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि बुद्ध के समकालीन बताने हैं, तीनों राजाओं में से कौन से राजा थे, केवल एक, दो या तीन, एक या तीन या एक दो तीन, तीनों, या तो एक या दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा, या तीनों, कौन से थे बुद्ध के समकालीन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सवाल नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, एक और तीन, यानी कि अजात शत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्य बने उनका क्या मुख्य कारण था। सवाल का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर जल्दी बताए, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा, इसलिए छठी शताब्दी मतलब सॉरी छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 33 हो चुके हैं, सवाल नंबर 34, 34वां सवाल देखते हैं, 34वां सवाल क्या कहता है, तो 34वां सवाल है हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार, कौन सा मगध सम्राट है, बिंबिसार, मगध का जो सम्राट है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। सवाल एक बार और पढ़ें, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर ए है कौशल, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी अवंती, या ऑप्शन नंबर डी वैशाली। 34 का राइट आंसर, 34 का राइट आंसर है अवंती। मगध सम्राट जो बिंबिसार थे उन्होंने अपना जो राजवैद्य जीवक था यानी कि अपना जो डॉक्टर था वो अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, ये सवाल में कहा गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35, 35वां सवाल, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, किसको, अवंती को जीतकर किसका हिस्सा, मगध का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, या ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। 35 का राइट आंसर बताएं, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, यानी कि शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36, 36वां सवाल, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, मगध का वह कौन सा सम्राट है जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदीन या शिशुनाग। 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार मगध सम्राट था जिसने क्या करा है, मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करा है अपने राज्य में, कौन सा, बिंबिसार वह मगध का सम्राट था। ठीक है, चलिए 37वां सवाल, 37वां सवाल है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, अवंती का, वत्स का, या दोनों का, या फिर काशी का, जल्दी बताएं। 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काशी। शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, कहां ने किया, मगध साम्राज्य ने, किसने, शिशुनाग ने। ठीक है, 37 सवाल हो गए, 37 सवाल नंबर 38 देखते हैं, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 है हमारा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, किसका, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन या शिशुनाग ने। 38वां सवाल, राइट आंसर जल्दी बताएं, 38 का सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने करा, किसमें, मगध साम्राज्य में। ठीक है,
सवाल नंबर 39 मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ठीक है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। ऑप्शन नंबर बी है महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रातक क्षत्रिय का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी है गिरिविज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इन चार राजधानियां बनी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर, 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, यानी के सारे सही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 देखते हैं। सवाल नंबर 40 है हमारा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासक था, शासन था, यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, नंदवंश का, मौर्य वंश का, शुंगवंश का या कर्ण वंश का, कौन से वंश का था, राइट आंसर बताएं 40 का। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पे नंद राजवंश का शासन था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 41 देखते हैं। सवाल नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, राइट आंसर बताएं इसका। ऑप्शन नंबर एक गंधार, कंबोज, काशी या मगध। 41 का राइट आंसर, 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मगध। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी ईसा पूर्व में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था, मगध था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 41 हो चुके हैं, सवाल नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। एक खरोष्टी लिपि का प्रचार, या दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, या तीन नंबर है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, या चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, या पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5, या ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5, राइट आंसर बताएं इसका। 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर बताएं, 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5, यानी के सभी सही है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। सवाल नंबर 43 है हमारा निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, किसके, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन नंबर बी है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, या ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या ऑप्शन नंबर डी है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। 43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, या वैशाली के लिच्छवे में, या मगध में। 44 का राइट आंसर, 44 का राइट आंसर बताएं, 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। चलिए 45वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सैनिया, ठीक है, सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सैनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उद्यम को, या शिशुनाग को। 45 का राइट आंसर क्या है, 45 का राइट आंसर बताएं, 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंबिसार ने सैनिया सेना रखा, सैनिया
रखी, यानी कि नियमित सेना जो रखी थी वो बिंबिसार ने रखी थी, सवाल का कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन कहा जाता है, भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है, महापद्मनंद को, घनानंद को, शिशुनाग को या बिंबिसार को? 46 का राइट आंसर जल्दी बताएं, 46 का राइट आंसर क्या है? महापद्मनंद, यानी के भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है महापद्मनंद को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। सवाल नंबर 47, 47, तो सवाल नंबर 47 है हमारा, सवाल नंबर 47 है, डेरियस दार्यबाहु एक ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उसने उस बनाया उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि राजस्व बताना है, राजस्व कितना प्राप्त होता, 360 टैलेंट, 370 टैलेंट या 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? 47 का राइट आंसर जल्दी बताएं, 47 का राइट आंसर बताना है हमें, 47, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, 360 टैलेंट, यानी कि जो डेरियस था हमारा, डेरियस फर्स्ट, उसने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीता और उसे ईरान का 20वां भाग प्रांत बना लिया, उससे उसे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, ये सवाल है। सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, कौन है? नियाकर्स या एनासिक्रिटस या फिर एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोटस, कौन है? 48, 48 का राइट आंसर बताएं, 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। ठीक है, 49वां सवाल देखते हैं, 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, श्रेणियों के संचालक को महाजनपद काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन या बी सेठ या सी जेठक या फिर डी ग्राम भोजक। 49 सवाल का राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन कहा जाता था, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठिन। चलिए सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ बताना, गृहपति का अर्थ धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? 50 का राइट आंसर, 50 का राइट आंसर है धनी किसान, गृहपति का मतलब है धनी किसान। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 51 देखते हैं, सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 कितना, सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 में सूची दी गई है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सवाल नंबर 51 क्या है? होमवर्क है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं कि विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 52 देखना, सवाल नंबर 52 क्या है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया? यानी कि वो शासक बताएं जिसने राज्य हड़पने के लिए, राजा बनने के लिए अपने पिता मार दिए, फिर उसी के औलाद ने उसको मार दिया। ठीक है, इसी कारण से, तो वो कौन सा था? बिंबिसार, अजाशत्रु, उदयन या नागदशक? बामन का राइट आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन है बामन का? तो बामन का ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु, इसने अपने बाप को मारा और अजातशत्रु के लड़के ने अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं, सवाल नंबर 53, सवाल नंबर 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये पूछा सवाल में, मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? 53 का राइट आंसर, 53 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिच्छवी, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 54, सवाल नंबर 54, सवाल नंबर 54 क्या है? होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी, आपको मिलान करना है, चार सवाल एक ही सवाल में चार सवाल हो जाते हैं और दिमाग बहुत अच्छा। ठीक है, होमवर्क करना है, कमेंट बॉक्स में हमें इसका राइट आंसर बताना है। सवाल नंबर 54, तो सवाल नंबर 55 देखते हैं,
सवाल नंबर 55, सवाल नंबर कितना 55, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वह कौन सा बुद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है मज्जिम निकाय, या ऑप्शन नंबर सी है खुद्दक निकाय, या ऑप्शन नंबर डी है दीघ निकाय। राइट आंसर 55 का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। और ये हमारा 56वां सवाल, 56वां सवाल, राइट आंसर बताना, लास्ट सवाल है इस वीडियो का 56वां सवाल। तो महाजनपद इसमें हमारे खत्म हो जाएंगे महाजनपद काल के, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहां था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रोहेलखंड में। 56 राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताएं, 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहां? राजस्थान में। चलिए तो इस वीडियो में हम 56 तक हम महाजनपद काल हमने पूरा कर लिया है। अब पढ़ते हैं अगले वीडियो में कुछ नया, तब तक के लिए इसी वीडियो को बार बार देखें, तैयारी अच्छे से करें, और हमारा चैनल नौकरी 24 है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।